अच्छा आज का प्लान महीनों का प्लान ये है, ये दो फोन्स OnePlus Nord 2 और Samsung Galaxy A52s 5G दोनों के कैमरे को आपस में भिड़ाएंगे। Not exactly like that। वैसे तेरे पास कौन सा फोन है? iPhone 12। Ah, nice। Hey, can I borrow your iPhone 12 for a comparison date? हाँ ले ले, तेरा ही तो है। Ah, thanks यार। वैसे तेरे हिसाब से विनिंग ऑर्डर क्या होगा? First, second and third। First, second and third। Hi everyone, मेरा नाम है भावेश राय। So good to see you। इतने दिनों बाद। अब आप पूछोगे इतने दिन क्या किया? क्या किया? तेरा नाम। कैमरा कंपैरिजन किया। शुरू करते हैं। ओवरऑल कैमरा को आपने के लिए ये सॉलिड 5 पिलर्स मैंने सेट किए। पहला कैमरा फीचर्स, दूसरा मेन बैक कैमरा, तीसरा देखेंगे जमाना वाइड एंगल से भी, चौथा सेल्फीज भी ली जाएंगी, पांचवा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो टेस्ट तो डेफिनेटली किया जाएगा, और ये सारे टेस्ट अंधेरा कायम रखने के बाद भी होंगी। सबसे पहले राउंड की सबसे पहली बात, कैमरा फीचर्स का ताज सिंगल हैंडली सैमसंग के पास जाता है, और बेस्ट ऑडियंस का ताज आपको जो ये वीडियो देख रहा है उसको जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग के ऐप में इतनी सारे फीचर्स हैं कि डेफिनेटली आपका 1-1.5 घंटा मस्त टाइम पास करा सकता है, और बहुत काम की चीजें भी हैं वहां पर। एंड एक चीज जो सैमसंग एंड वन प्लस के फोन में एक्सक्लूसिव फीचर्स है, आप पूरे UI को अपने नीड केस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और सैमसंग के फोन में जो एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको प्रो वीडियो मोड मिलता है, जो डेफिनेटली अगर आप वेल कंट्रोल एनवायरमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अब वन प्लस का कैमरा UI वही नॉर्मल रियलमी की तरह, वही काम की सारी चीजें आपके मुंह के आगे होगी, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन भी इनबिल्ट में है, बाकी फिर आईफोन्स में वही वेरी बेसिक स्टफ विद लिस्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड फीचर के साथ। फॉर मोर कन्वर्सेशन मतलब ये वाली वीडियो देख लेना। तो एज अ पॉइंट बांटना बहुत सिंपल, +3, +1, +2। दूसरा राउंड मेन बैक कैमरा। वैसे शुरुआत में लगा कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, लेकिन 400 खिंच-खिंच के बाद पता चला एग्जैक्टली 420 काफी पाथ क्लियर हुए उसके बाद, तो सब कंक्लूड हो चुका है। मोस्ट कलर एक्यूरेट का जो अवार्ड जाता है, आप बिल्कुल अमेज हो जाओगे जिसके पास जाता है, उसका नाम है OnePlus, उसके बाद iPhone 12 एंड देन Samsung। ये मेरे लिए बड़ा अमेज था क्योंकि मैंने सुना था iPhone टेक्स मोर क्लोजर ऐसा कुछ, बट मुझे ज्यादातर ये सहारा डेजर्ट वाली धूप की वाइब हर फोटो में देता है, एक्सेप्ट सनलाइट के अलावा मुझे ये ज्यादा भाया नहीं कहीं भी। और सैमसंग थोड़ा सा कोल्ड ब्लूइश वाली वाइब देता है थोड़ा सा, वही वन प्लस मिड में रहने की कोशिश करता है और मुझे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल और अच्छा लगा। डिटेल्स, दिन के टाइम में अगर डिटेल्स की बात करोगे तो तीनों ही मतलब ऐसा कभी कोई जीत रहा है तो सच में कभी कोई जीत रहा है, ज्यादातर सीन पे डिपेंड करता है, जो कि सच में बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिशन वाइज देखो डिफरेंसेस मेनली बस अपने कलर प्रिफरेंस को लेकर है, बाकी डायनेमिक रेंज और हल्के से डिटेल बेटर मुझे आईफोन में लगा, उसके बाद सैमसंग एंड लास्ट में वन प्लस नॉट 2। अब ये 5x जूम की डिटेल्स की बात करते हैं। डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है, बस अपना आईफोन थोड़ा सा एडिटेड वर्जन नहीं दिखाता, थोड़ा नॉइजेस के साथ जाता है और बाकी सब थोड़ा सा वाटर पेंट की तरफ जाते हैं। वैसे बंदर यहाँ क्या कर रहा है? नेवर माइंड, अपने काम से काम रखते हैं क्योंकि थप्पड़ से डर लगता है साथ। और ओवरऑल डे लाइट में मुझे सैमसंग की फोटो थोड़ी सोशल मीडिया टाइप रेडी लगी, ओवरऑल ब्राइट और थोड़ा सा पंक्चर कलर एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ, बट रात के टाइम में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट है। ये सिनेरियो पूरा अमावस्या वाली रात का टाइम है, ओनली कैमरा को बस कैमरा देख पा रहे थे, और यहाँ सैमसंग ने मुझे मेरे नोकिया X2 वे बैक बहुत पहले का उसकी याद दिला दी है। आई होप ये शॉट सम्राट गिलविश को पसंद आएगा क्योंकि अंधेरा कायम है एक्चुअली में बाय सैमसंग। अब इस सर्दी में यहाँ क्यों बैठे वो किसी और वीडियो में, बट यहाँ पर तीनों ने ही नाइट मोड का इस्तेमाल करके काफी अच्छा काम किया है। OnePlus की इमेज मुझे थोड़ी सी ज्यादा स्मूथनिंग और आई प्रेजेंट लगी, थोड़ा ऐसा बटर मार के है, बाकी ओवरऑल सैमसंग ने भी अच्छा काम किया, हाई एंड लो को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और वहीं पर आईफोन थोड़ा सा पीले कलर का फिल्टर चढ़ा रखा है। अब यहीं पर देखो यहाँ कोई पीले बल्ब का सोर्स नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइट वाली वाइब्स आ रही है इस पिक्चर से। तो भाई ओवरऑल लो लाइट में जो सबसे कड़ी टक्कर है वो है आईफोन वर्सेस नॉट 2, और मुझे ज्यादातर थोड़ा स्लाइटली ऐसा मार्जिनल टाइप नॉट 2 की फोटोज ज्यादा बेहतर लगी। सो ओवरऑल दिन रात दोनों को जो फोटो कंबाइनिंग का रिजल्ट है और जिसको रैंक करना सच में काफी टफ है, स्टिल आई एम रैंकिंग इट +2, +3 एंड +2। तीसरा वाइड एंगल के नजारे, मेरा फेवरेट पार्ट इस वीडियो का, और बहुत सिंपल, और ये बात मैं हर बार कह चुका हूँ कि मुझे वाइड एंगल की जो तिरछी फोटोज होती है मुझे काफी भाती हैं, और जो मुझे फोन सबसे ज्यादा भाया है
वो है वाइड एंगल फोटोग्राफी में सैमसंग। बट यहाँ पर ये कहना चाहूंगा आईफोन 12 का भी वाइड एंगल बहुत बराबरी का टक्कर देता है, कहीं कहीं आपको डिटेल्स थोड़ी कम मिलेगी आईफोन में। और एक चीज है, अगर बाकियों की कंपैरिजन वन प्लस को मैं ऐड करता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा वाइड एंगल में वाइड कहाँ पर है वन प्लस की फोटोज में, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में जो कलर बैलेंस है वो मुझे अच्छा लगा। सो वन प्लस प्लीज फिक्स इट अप नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब वाइड एंगल कैमरा ऐसा वाइड तो होना ही चाहिए। और वाइड एंगल वीडियो में वन प्लस की कमी है, वीडियो जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू 1080p, तो फिर फिक्स है सबसे कम डिटेल वही कैप्चर करेगा और बाकी दोनों 4K कैप्चर करते हैं और उसमें भी सिर्फ आईफोन की वीडियो मुझे काफी स्टेबल लगी। बट एट द सेम टाइम अगर कलर बैलेंस और इन सब की बात करोगे ना तो सैमसंग ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा तुरंत तुरंत जो शिफ्ट करते हैं वीडियोस में उस वक्त जो एक्सपोजर का टिंट वो बैलेंस करा हुआ है, ऐसा आप थ्रू आउट द वीडियो देखोगे, कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं है ऐसा 30,000 के फोन कंपेयरिंग टू आईफोन 12 भी। डेफिनेटली आप बूम थिंग, बट डिटेल्स अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे जूम करके तो डेफिनेटली सैमसंग मार्जिनल एज लेके जाता है आईफोन 12 से। तो वाइड एंगल में पॉइंट आउट करना, रैंकिंग करना बहुत सिंपल था, ओवरऑल +2, +3, +1। चौथा, अब सेल्फी की बारी है। थैंक्स। अगर आप पूछो कि सब ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद मैं किस में ज्यादा सुंदर लगा तो माय आंसर विल बी कोई नहीं। वेट, बताता हूँ। वन प्लस थोड़ा सा पिंकिश टोन लेके आता है फोटोज में, थोड़ा सा रेड पिंक और थोड़ा सा ऑरेंज का जो मिक्सचर होता है, और जनरली मुझे ज्यादा अच्छी लगी मोस्ट ऑफ द टाइम। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब पूरी वीडियो में ऐसा है कि 6-10 में से 6 आते हैं, बाकी 4 जगह कोई और लीड करेगा। आईफोन की बात कर, आईफोन की सेल्फी में डिटेल्स ऑन पॉइंट होती है, बट वही स्किन को थोड़ा सा एक्सेसिव पीला कर देता है। और मेन चीज देखो, धूप में कोई फोटो ली गई तो ऐसी वाइब आनी चाहिए कि धूप में ली गई है, तो आईफोन का सीन सच बता रहा हूं बिल्कुल जादू की तरह है। दोनों लाइक सन, आईफोन सबसे बेस्ट वाइब दे रहा है धूप की, उसके बाद सैमसंग एंड वन प्लस। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ट्यूबलाइट के आगे खड़ा हूँ। नो, ट्यूबलाइट और सन में काफी अंतर होता है वन प्लस, ऐसा अलग अलग चीजें हैं। फोकस नेवर सेटल। पोर्ट्रेट मोड में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, फेकनेस की वो सबसे आ रही थी अगर बैकग्राउंड सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो। और पिक्चर की डिटेल का मसाल हमेशा आईफोन के पास होगा, उसके बाद सैमसंग एंड देन लास्ट वन प्लस। लो लाइट में वन प्लस थोड़ा सा शाइन करता है, ओवरऑल डिटेल फ्रंट और बैकग्राउंड दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा बैलेंस आउट करता है। सैमसंग थोड़ा सा अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस को संभाल नहीं पाते, उसकी वजह से मोस्टली पिक्चर्स ओवर होके आती है। और आईफोन ऐसे सिचुएशन में मेरे को बात नहीं करनी। ये फ्रंट कैमरा टेस्ट, ऐसे आवाजें आती रहती गली मोहल्ले में। ये वाला सैमसंग A52s 5G आईफोन 12, या अलग ही स्किन। और यहाँ पर नॉट टू रियलिटी। इसमें रिजल्ट निकालना काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आईफोन ऐसा बेस्ट जॉब करता है, मतलब स्किन टोन अच्छी दिखाता है और थोड़ी सी स्मूथनिंग होती है ना, मतलब ट्रांजिशन आप इधर उधर एक्सपोजर चेंज करते हो बहुत अच्छा बैलेंस आउट करता है। और बाकी यहाँ पे सैमसंग और वन प्लस थोड़ा सा ऐसा बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा पीछे नहीं है, बट ऐसा डिस्टर्ब टोन तो रहती है। एंड आईफोन हमेशा स्किन को ब्राइट करने की कोशिश करता है, एंड एवरीबॉडी लाइक्स इट, कौन ब्राइट पसंद नहीं करता, हार्श रियलिटी। तो ऐसे मौकों पर वीडियोस में आईफोन एक्सेप्शनली गुड हो जाता है। उसके बाद नॉट 2 के मुझे कलर साइंस काफी अच्छा लगा और जो एक्सपोजर हंटिंग है वो भी मुझे कम देखने को मिला। देन उसके बाद सैमसंग। अब यहाँ पर अगर वीडियो को लाइक करोगे तो मैं एक अंदर की बात बताऊंगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग। अब काम की बात यह है कि डिटेल वाइज मुझे आईफोन से ज्यादा बेटर सैमसंग लगा कुछ कुछ जगहों पर। अभी बात इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे एडिटर हैं, इस सस्ते फोन से भी आप बहुत तबाही मचा सकते हो। और दूसरी बात, आईफोन की क्वालिटी वाली वीडियो का जादू ना तभी तक चलता है जब तक रोशनी होती है। जैसे ही आप थोड़े से डिम एनवायरनमेंट या रूम लाइट एनवायरनमेंट में आओगे तो उसकी वीडियोस कुछ ऐसी आती हैं। ऐसी सी मेरा मतलब यूजलेस से है। अब सैमसंग की बारी। सैमसंग को थोड़ा परहेज है अपने ही नीले रंग से, मतलब पता नहीं क्यों बिल्कुल शादी में आए फूफा की तरह बिहेव करने लगता है नीला को देखकर, जबकि उनका डिफॉल्ट कलर लोगो है वो। एंड समटाइम्स स्किन टोन भी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है, ऐसा वॉश्ड वे में बता रहा हूँ। वन प्लस की वीडियो ज्यादा डिसेंट दिखेगी कंपेयर टू सैमसंग। डाउनसाइड ये कि वीडियो बस 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो आप, तो ओवरऑल मार्जिनल सी कम डिटेल ही कैप्चर करता है, बट लो लाइट एल्गोरिदम सुपर्ब काम करता है कंपेरेबली। तो ओवरऑल सेल्फी कैमरे को मैं रेट करूंगा फोटो और वीडियो में +2, +2 एंड +2। और एक बात याद दिला देता हूँ, ये सारी रेटिंग जस्ट आउट ऑफ द कैमरा रिजल्ट के बेसिस पर है। शटर बटन दबाने के बाद जो रिजल्ट आया उस बेसिस पर है। तो फिर अगला राउंड आगाज हो।
चलो अब कुछ फिल्म्स बनाते हैं इन फोन के मेन कैमरे से, तो आवाज की मधुरता जो माइक रिकॉर्ड करते हैं वो सब में बेटर देन नॉर्मल ही है, बट जो मेनली डिफरेंस है वो है OIS का। सो अगर आप उछल कूद वाले मिक्स शॉट रिकॉर्ड करते हो तो नॉट टू प्रिफर्ड चॉइस होगी ओवर टू सैमसंग, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे, फुटेज ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी, मोस्टली बेटर डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगा और थोड़ा सा लेस एक्सपोजर हंटिंग देखने को मिलेगी। अब अगर अलग से आईफोन की बात करूं, जरूरी नहीं है कि आपको वेल डिटेल शॉट हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है कि लेस फ्लक्चुएशन होती है ओवर थ्रू आउट द वीडियो, आपको एक मोनोटोनस टोन मिलेगी, कंपेरेबली बेटर होगा जो हमारे ये दोनों फोन्स हैं। ऐसा यहाँ पर स्किन टोन इंट्रोड्यूस कर दूं तो ऐसा 19:21 का अंतर है। फोकसिंग स्पीड नॉट टू और आईफोन में बेटर है ओवर टू सैमसंग। अच्छा ये रिकॉर्ड कर, एक शॉट मार के आता हूँ। वैसे ये यहाँ पर खरा शॉट कैसा है? स्टॉप कर दे, स्टॉप कर। और अगर अंधेरे की बात करोगे तब भी वीडियो ऑर्डर सेम होगा, पहले आईफोन, ऐसा एक्सपोजर बूस्ट होता है, डेफिनेटली बेटर देन दोस टू, बाकी फिर उसके बाद आपको वन प्लस की फुटेज ज्यादा क्रिस्प देखने को मिलेगी एंड देन सैमसंग। और अगर कोई सोच रहा है स्लो मोशन कैसा रिकॉर्ड होता है, तो रिजल्ट आपके सामने है। देखो क्वालिटी किसी की भी हो, लेकिन मजा बड़ा आया था झूला झूलने में। बैक टू मुद्दा, सबसे ज्यादा स्लो तो आईफोन करता है, उसके बाद सैमसंग और उसके बाद वन प्लस। वन प्लस का स्लो वीडियो इज जस्ट लाइक कि वाइड एंगल में वाइड मिसिंग था तो स्लो मोशन में स्लो मिसिंग, मोशन ही मोशन दिख रहा, दैट्स ट्रू। बट एट द सेम टाइम अगर क्वालिटी पिंचिंग करके देखोगे तो डेफिनेटली आईफोन, देन वन प्लस और फिर सैमसंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो फाइनल कंक्लूजन टू द वीडियो, तो प्लस वन, प्लस थ्री एंड प्लस टू, तो ऐसा रफ कह सकते हो 15 में से हैं ये। और पॉइंट्स को ज्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि छोटे छोटे गैप के कारण ही आईफोन जीता है। ऐसा एक तरफा मैच नहीं रहा, मतलब जैसे कि पॉइंट सिस्टम दिखा रहा है, एक्चुअली में हमने जो डिस्कस किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। So, conclusion time. But उससे पहले don't hate me अगर मैं कहूं कि Samsung का कैमरा बेटर है comparing to OnePlus अभी के सिनेरियो में। पहले Samsung बहुत हैवी कॉन्ट्रास्टी लुक देता था जिसकी वजह से मुझे इतना नहीं भाता था, लेकिन अभी इनमें काफी चीजें बदल गई है इन अ गुड वे। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus की। इनकी पिक्चर से बात करूं तो लो लाइट कैपेबिलिटी सुपर बेस्ट है, ओवरऑल कलर्स और डायनेमिक रेंज को कंबाइन करके बात करूं तो बहुत अच्छी ओवरऑल कंपोजिशन निकल के आती है पिक्चर्स की, बट थोड़ा सा काम खराब कर देती है, व्हाइट एंड ब्लैक के लेवल्स थोड़े से कम होते हैं तो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होती और एट द सेम टाइम डिटेल्स नहीं होती, तो पिक्चर्स थोड़ी फ्लैट आती है कंपेयरिंग टू अदर्स टू। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स की पिक्चर चाहिए तो हमेशा आपको अल्ट्रा रिजोल्यूशन में क्लिक करना पड़ेगा। बट वहीं पर अगर वीडियो कैपेबिलिटी की बात करता हूं तो काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया Samsung A52s 5G एक्सेप्ट लो लाइट कैपेबिलिटी और ब्लू की तरफ स्पेशल ग्रीना, और वीडियो में OIS की कमी को हटा के डेफिनेटली बाकी जगह ये आईफोन को बखूबी टक्कर देता है। और हाँ, ऐसा एंड्रॉइड डिवाइस आपको जो नॉर्मल चीजें सफर करनी होती है कंपेयरिंग टू आईफोन की जो वीडियोस होती है, हर चीज वो थोड़ा सा स्मूथली लेके जाता है, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप एक अच्छे एडिटर हैं तो डेफिनेटली आप इन सस्ते फोनों से भी काफी अच्छी तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि कैपेबल हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग डिटेल्स, बाकी चीजें तो आप भी खेल सकते हैं। अब बात करते हैं iPhone 12, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में iPhone 12 को इंक्लूड किया, क्योंकि जो भी इंसान 30,000 के आसपास या उससे ऊपर के फोन खरीदता है ना, उसके दिल और कान ने बहुत फैंटेसीज वाली बातें सुनी होती है कि iPhone तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की वीडियो रिकॉर्ड करता है या फोटो क्लिक करता है, बट नाउ यू नो द रियलिटी। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रियलिटी में कहूं तो 19:21 का फर्क है, वो भी वीडियोस में, और पिक्चर में तो मतलब 19:20 ओवरऑल कंपैरिजन कहूं, बट प्राइस में इन दोनों के बराबर आता है अकेला iPhone 12। तो सीन ऐसा है, अगर iPhone 12 को अच्छी लाइट दो, चाहे भले आप कॉम्प्लेक्स दे दो, वो इन सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। सो अच्छी लाइट्स में आपको मलाई मिलेगी, बट वही एट द सेम टाइम लो लाइट में आपको छाछ भी पीनी पड़ सकती है। और उसी सिचुएशन में बाकी दोनों की बात करूं तो हमेशा आपको दही जैसी क्वालिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, मतलब मीडियम टाइप। और दूसरी जो मुझे सबसे अमेजिंग चीज लगी, आईफोन की फोटो का लिटरली हाफ साइज होता है कंपेयरिंग टू नॉर्मल एंड्रॉइड फोन। ये 4MB 6MB की फोटोज हैं तो ये 2 और 3MB की फोटोज हैं, जस्ट अमेजिंग। तो मतलब अगर आप फोटोग्राफी के लिए देख रहे हो तो मतलब एंड्रॉइड में माइट भी आपको 64GB लगे, बट वहीं आपको आईफोन 32GB के इक्विवेलेंट में आपको सेम फुटेजेस और वीडियो रिकॉर्ड करके दे देगा। बहुत अमेजिंग कैपेबिलिटी है यार, सच में हैट्स ऑफ टू एप्पल फॉर दिस थिंग। एंड एक चीज बताना भूल गया था, टू मच बेटर फोटो एंड वीडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना आईफोन खरीदने के बाद पछताओगे। अरे यार तू रो मत यार,
तो ये मेरा फुली कैमरा डेडिकेटेड वीडियो था। सीरियसली काफी मेहनत लगी एक एक फोटो में घुस घुस के देखने की। गेम को बिल्कुल एज ऑलवेज फेयर रखा गया विदाउट किसी बाइसिंग के। बट एक चीज है जो कंपनी बाइस्ड होकर हम सबका बेवकूफ बनाती है, लेफ्ट वाली वीडियो में उसका कड़वा सच जानने को मिलेगा। अदरवाइज राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो हमारे चैनल की मोस्ट फन लविंग वर्ल्ड के बेस्ट सेल्फी फोन की तलाश में। डेफिनेटली ये वाला नहीं।